इस वक्त मैं ट्रेन में नहीं छूटा हूँ, मैं वापिस पहुँच गया हूँ। नहीं तो फिर बॉम्बे पहुँचने वाला था तो इसको बुला लिए थे हम लोग। महाकाल के मंदिर आ चुके हैं जहाँ चढ़ावे में दारू चढ़ते हैं। आज हम सहा सफर का तीसरा दिन है और हम सब अभी शॉप पे आए हैं ड्रेस लेने के लिए। आए हैं महाकाल के नगरी में तो कुछ महाकाल का ऐसा लेके जाएं कि हमको जब जब पहने तब तब याद आए। ड्रेस ले रही है हमारी पूरी टीम, जो पसंद आया उसके बाद देखते हैं वापस कंटिन्यू दिखाते हैं क्या होगा और कहाँ चल रहे हैं क्या होने वाला है। बहुत रात को बहुत थक गए थे, सुबह समथिंग 4 बजे तक घर पर आए थे इसके लिए। आज हम मंदिर पहुंच चुके हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। सबको प्रसाद दे रहे हैं अभी। इस वक्त प्रसाद ले रहे हैं, में रेडी हो गए प्रसाद लेके, तैयारी चालू है। दरबार में जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है और जो महाकाल के बाद दर्शन यहाँ पर करना बहुत आवश्यक है क्योंकि माता जी यहाँ पर साक्षात विराजमान करती हैं। तो आज इसी दौर में माता जी का दर्शन करने के लिए माँ हर सिद्धि के द्वार पर हम लोग आए हुए हैं। चलो ले ले। हरिमंदिर दर्शन कर चुके हैं हम लोग, अब यहाँ से हम एक गाड़ी बुक करेंगे। गाड़ी पूरा हमको जितना 7 मंदिर है पूरा घुमाएगा, ठीक है। हमारे साथ दोस्तों नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे, आगे देखते क्या क्या होता है। इसलिए हमने यहाँ से ऑटो किया है घूमने के लिए। महेश मैम, अरे भगवान भाई, अभी काल भैरव की तैयारी है। यहाँ पर हम लोग सिद्धि माता का दर्शन करके अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, साथ में हमारे सारे साथी भी हैं। अब वहाँ पे जाते हैं और फिर आप हमको ऑलरेडी यहाँ घूमना था तो हमने एक ऑटो रिजर्व किया है। और जानते हो क्या है उनका नाम भाई? सोहेल कुरैशी मेरा नाम है, एमपी मध्य प्रदेश। और आप कहाँ कहाँ घुमाते हैं कोई आते हैं तो? ये यात्रियों को हम उज्जैन दर्शन का करवाते हैं, शांतिवन आश्रम, मंगलनाथ, सिद्धवट, काल भैरव, गढ़कालिका, बर्तरी गुफा, ये यात्रियों की ख्वाहिश होती है घूमने की। ये शहर के बाहर के मंदिर है। जैसे कि मैं आपका नंबर नीचे डालूँ तो आप सबको कॉन्टेक्ट करें, आप सबको घुमा सकेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको नंबर दिए। चलिए आप यहाँ पे आए, मैं इनका नंबर डाल दूंगा, इनसे कॉन्टेक्ट करिए और घूमते रहिए आप, ठीक है। हम लोग आए हैं और यहाँ के तौर पे यहाँ पे ठंडी तो जैसे कि दोस्तों हम आपको बता बोलो। हाँ, जैसे कि दोस्तों हम लोग महाकाल उज्जैन महाकाल की नगरी में लाइट हाँ लाइट मनीष भाई फिर
कैसा फीलिंग? ये महाकाल का प्रसाद है, ठंडा ही बोलते हैं। थोड़ा टेस्ट करते हैं, अब कैसा लगता है आपको बताते हैं। वाह, मजा आ गया। आप भी उज्जैन आइए महाकाल के नगरी में। कैसा रहा मंडू भाई? एक मजा आ गया। बाकी हमारे ग्रुप सब पी रही है। कैसा लगा? मनीष भैया कैसा लग रहा है? ठंडे के मजा है ये। हम बाबा धाम में आए तो ठंडे थोड़ा सा, आज सावन का महीना चलता है। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी लोगों को हर हर महादेव। हम आ गए शांति पानी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बलराम भैया अपना शिक्षा ग्रहण किए थे, संदीपानी मुनि के ऋषि आश्रम में। और ये आश्रम में हम अभी आ चुके हैं, सबको दिखा। और ये आश्रम में अभी आपको बताते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या है, यहाँ की महत्व तो क्या है। आइए हमारे साथ, जय जय मां। जो यहाँ की विशेषताएं हैं, जानकारी के मुताबिक ये यहाँ पर हवन कुंड है, वर्षों से हवन कुंड है। ये द्वापर जब युग चल रहा था तब श्री कृष्ण भगवान बलराम भैया की यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण हुआ था। ये वो तालाब है जो कभी नहीं सूखा आज तक। ये वो मंदिर है जिसकी सभी पानी मुनि ने तपस्या कर ये स्थली बनाए थे। यहाँ पर वो लिंग थे और यहाँ पर जो है पूरी तरह से बाबा का, महादेव का एक विराजमान है। जो महर्षि थे संदीपानी मुनि थे, उन्होंने यहाँ पर दीक्षा के दौरान यहाँ पर पूजा एक मंदिर के लिए बना के रखे थे। महाकाल के भैरव के मंदिर पर आए हम। आपको बैठने की जगह मिल जाएंगे। जैसे आप सब देख सकते हैं मंदिर बहुत सारा भीड़ है और हमारे मंटू भाई दर्शन करके। मंटू भाई कौन सी जगह पर हम आए हैं? मंदिर है, जैसे कि यहाँ पे शंकर भगवान और दो दिन में कुछ हुआ डॉक्टर भी है। मंगल भगवान का नाम शंकर भगवान का ही स्वरूप। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। महाकाल के मंदिर आ चुके हैं, जहाँ चढ़ावे में दारू चढ़ते हैं। भवन भाई कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में, क्या चढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पे काल भैरव का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है। और यहाँ पे देखिए सब जगह पे बहुत कुछ चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे काल भैरव को, बाबा को मनाने के लिए मदिरा चढ़ाया जाता है, यानी कि शराब चढ़ाया जाता है। और बाबा उससे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो हम लोग भी आ गए हैं और हम भी कुछ ना कुछ लेंगे। काल भैरव मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पे मंटू पासवान जी जो है पूरा प्रसाद चढ़ाएगा बाबा को, बाबा दर्शन जाएंगे। बाबा को यहाँ पे मदिरा चढ़ता है, इसको बोल सकते हैं दारू। इसे ले लिए, देखिए ये है महाकाल। वैसे हम दर्शन करने जा तो रहे हैं, लेकिन मंदिर बहुत भीड़ है, लाइन में खड़े हैं हम सब। मंटू हमारे सब खड़े हुए चल रही है लाइन, बहुत 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 डर की बहुत है, लेकिन ना भीड़ बहुत है। महादेव भोले।
चलिए देखते आगे क्या क्या होता है। हर हर महादेव। वो जगह और मिल रही है। आपको कौन सा ब्रांड चाहिए भैया? आपको कौन सा चाहिए? अरे ले लिए नहीं वो सर, आप ही का दुकान है ना सर? हाँ मेरी दुकान है भैया, जो चाहिए जो चीज़ आप ले सकते हो। ये देखिए देसी ठहरा है, देसी ठहरा तो सो जाओगे। और कुछ मस्त मजा आएगा पीने के बाद। और सर बताइए दारू के बारे में। देखा होगा लड्डू पेड़ा फूल पत्ती चढ़ते हुए, आपने कभी भी नहीं देखा होगा दारू चढ़ते हुए। लेकिन काल भैरव बाबा को दारू ही पसंद है, और जब तक वो दारू पीता नहीं तब तक आशीर्वाद मिलता नहीं। तो वाला है ना भाई, आपका कुछ नहीं खाली ये 150 रुपए का आपके। कहते हैं उज्जैन आओ और आलू पकौड़े ना खाओ तो क्या खाया भाई। जानते हैं मगन भाई कैसा लग रहा है? टेस्ट मस्त आ रहा है यार। बोला जाता है यहाँ अगर उज्जैन आइए बिना पराठे खाया मत जाइए। मंडू में टेस्ट कैसा है? टेस्ट बढ़िया ही है। आलू छोले का सब्जी है, दही है, अचार है, आलू का परोठा है, 60 रुपया प्लेट है, मस्त है। चम्मच कैसा है? ये मेरा फेवरेट खाना है, दही और पराठा, लाजवाब। चलिए देखते कैसा है। से हम दर्शन कर चुके हैं, कुछ फोटो शूट चल रहे हैं बाहर, फोटो शूट करवा रहे हैं। क्या हो दिक्कत है? वो ऑन कर हो गया। चलो फोटो खिंचा रहे हैं, देखते आगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है अमित भाई? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, सुपर मज़ा आ रहा है। दादा अभी हमको कहाँ ले जाने वाले? अभी काली का चलना है अपना, काली का मंदिर। चलो अच्छा भाई, जल्दी फोटो शूट करो, लेट हो रहा है। चलो 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 चलो। बोलो कालिका माता की जय, हर हर महादेव। मंडू भाई वहाँ सफर खत्म हो गया? हाँ बस शमशान भूमि पे जाना है, और एक मार्केट में थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना है। 5 बजे हम लोग उज्जैन स्टेशन के रवाना हो जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। ओके। उसके बाद आप लोग को सब कुछ बताया जाएगा इस बारे में। इस बार अपने दोस्त को हम लोग पकड़ के रखेंगे, क्योंकि अगले बार ये भाई साहब ने इसे हम रिक्शे में कब से घूम रहे हैं सुबह से ही। ये भाई हमारी हेल्प कर रहा है, भाई हमको सब घुमा रहा है, फिरा रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है बेचारा। अगले बार आया तो इनसे कॉन्टेक्ट करें, लड़का अच्छा है, पसंद है, शादी वादी करवा लेना। मंटू भाई इस वक्त कहाँ पे हैं? चक्रवर्ती शमशान घाट पे, अभी बम बम गिरी महाराज से अभी मिलेंगे अपन, मेरी बस में भी घाट ले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा ये शमशान है? हाँ बोलिए, शमशान के बारे में क्या बोल रहे हैं? बाल मोक्ष धाम ना, बाल मोक्ष धाम बोले तो वहाँ पे बालक लोग को है ना गाड़ा जाता है। सबका आखिरी आक्रय यहीं पे तो होता है, मतलब हर किसी को यहाँ पे आना है, आना ही है। वही
दिल्ली से आए हैं आप। यहाँ पे ये दूसरा ट्रिप है मेरा, मैं 31st को नाइट में आया था धर्मेंद्र भाई के साथ। बॉम्बे वाले हैं? नहीं, हम नहीं जानते, मैं इंदौर रहता हूँ। अच्छा, पिछले सन 80 से शमशान का नियमित लंबे समय का साधक हूँ। अच्छी मेरा नाम बीजू है। बीजू भाई के नाम से पूरा हिंदुस्तान भर में मेरा जो भी इस शमशान के बारे में क्या समझना चाहते हैं? शमशान चक्रतीर्थ नाम किस विचार बिंदु पर पड़ा है, क्या है यहाँ का महत्व? चक्रतीर्थ शमशान पर महाकालेश्वर का शिवलिंग, चक्रतीर्थ शमशान पर महाकालेश्वर का शिवलिंग, ये चक्र है ना, ठीक है ना, चक्र। जो महाकालेश्वर है वो समय का देवता है, काल का देवता है, समय का, ठीक है ना। घड़ी यहाँ है? हाँ घड़ी है ना, यहाँ यहाँ से वो जो है ना, वो भूखी माता मंदिर दिखेगा, इससे आगे जाएंगे आप तो उसके सामने भूखी माता, इस घाट से जाएंगे तो इसी घाट पर चक्रेश्वर महादेव का मंदिर आएगा, उसका चक्रेश्वर महादेव नहीं, ये वृषभ रेखा निकली हुई ना यहाँ से पूरी गई हुई ना, पृथ्वी के दो भाग हुए हैं इस स्थान पर उज्जैन से, है ना, इसलिए समय को साधता है ये स्थान पूरा। चक्रतीर्थ शमशान जो है वैदिक काल से और पौराणिक काल से साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना तंत्र मंत्र के, उनको बड़ी बड़ी साधनाएं या बड़े बड़े अनुसंधान करके कुछ चीज़ें निकाल प्राप्त करना होती है, उस स्तर का शमशान भी है। यहाँ तंत्र मंत्र या घोर या फलन या ढिमका इनका इनका ना 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 सिद्धि तो यहाँ सिद्धि ही रहती है, आप यहाँ बैठे तो सिद्धि ही है ना, लेकिन यहाँ उससे आगे जैसे कहते ना कि आपकी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से इनकी सोच चालू होती है, समझे ना, तो यहाँ से सोच चालू होते हैं, यहाँ ये अनुसंधान का केंद्र है। अगर आपने किसी चीज़ की सिद्धि आपके पास है उससे आगे फिर क्या है, फिर आपको इससे एक उधर मसान है आगे जाएंगे ना तो उधर भी मिलेगा आपको, जो उधर गए आप और ये पहले संस्कार यहाँ होते थे, थोड़ा ऊपर हो गया, अब उधर हो गया, पहले ऊपर ही होता था, पानी कम होता है, अभी भी हो जाए, यहाँ हो तो नहीं, आज अभी भी हो जाए, कोई रोक कहीं पर भी आप जला, कहीं भी जला, सब बाबा का जलाने का स्थान है। हाँ चलिए बाबा जी, जय महाकाल। मैं सरस्वती इन्वेस्टिगेटर हूँ, दुर्गा सरस्वती की साधना करता हूँ, मैं भी इस शमशान में आया हूँ चौमासा करने, चतुर्मास कर रहा हूँ मैं, पिछले एक महीने से हूँ इसी स्थान पर बैठा हूँ। सफर खत्म हो गया मनीष भाई? सफर तो बस समाप्त ही हो चुका है, अब अवंतिका एक्सप्रेस में बस बैठने की उम्मीद है, और अब बस वापस पुनः जो है हम लोग आ गए हैं उज्जैन जंक्शन पे, तो यहाँ पर मीठी मीठी चाय के साथ रतनामी सेव का जो मजा है वो दोस्तों कहीं और नहीं है, ये सिर्फ उज्जैन महाकाल प्रांगण में है, मध्य प्रदेश में है, इंदौर में है, रतलाम में है, तो आइए और ये सब चीज़ों का एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा, माँ कसम हर हर महादेव। और भगवान से कुछ कहना है? लो ये लो ये सफर खत्म हो गया। अभी आया आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। दोबारा आएंगे तो मेरा मुलाकात होगी ना? बिल्कुल मुलाकात होगी, नंबर है ना आपका, कॉन्टेक्ट नंबर। चलो इनको कॉल करेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, आप लोग भी इनसे कॉन्टेक्ट करिएगा। बाय बाय, चलो बाय। इस बार भी हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, इस बार भी मेरे को अकेले नहीं भेजा गया इसी डिब्बे में, मेरे साथ मंटू भाई भी आए हैं, अभी साथ में सोएंगे, साथ में अभी साथ में हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये बॉम्बे तक नहीं पहुंचेगा, वापिस उतार लेंगे। ज़्यादा टाइम मैं सो गया था इसी के डिब्बे में, अकेले था, और मेरी बाकी टीम उसमें गई है, अपना बी एस बी में।
एच डी में हम लोग V5 में बहुत अंतर है। अप डाउन करने हमको खुद की हालत खराब होगी। ट्रेन खड़ी हो गई है, निकलने वाले थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है। हमारा सफर खत्म हो चुका है, हम लोग एसी डिब्बे में हैं और हमारे दोस्त लोग अदर डिब्बे में बैठे हैं। सफर यहाँ है तो हम लोग वहाँ है। सफर बहुत अच्छा रहा, सब अच्छे से हो गया, दर्शन वर्शन कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। वो लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। हम लोग अदर डिब्बे में बैठे, वो लोग अदर डिब्बे में है। अभी सावन चल रहा है, टांग वाली बिरयानी कहाँ से लाया हूँ? गुड, आई लाइक इट। मैं अपने घर से लाई थी भिंडी की सब्जी। हमारे मंटू भाई ने ऑर्डर दे दिया है। भाई क्या दियो खाने में? वेज बिरयानी दे दिया हूँ, वेज की थाली, इसमें चार पांच रोटी आएगी, चावल आएगी, पनीर की सब्जी आएगी, गुलाब जामुन आएगा, दाल वाल। देखो स्मार्ट बॉय की चाय कॉफी पी रहे हाथों से। सर कैसा लग रहा है चाय गिरा के? कैसा लग रहा है आपको गरम गरम? ये हमारी बचपन की आदत है, ये है ना, ये बचपन की आदत है, बचपन की कुसंगतियां जो रहती है, बचपन का चाय गिराने का आदत है। दोस्तों के साथ जो मतलब बचपन की कुसंगतियां, कुछ सीख जाते हैं लोग, उसी के कारण ही सब कुछ होता है। इसे एक बार मैंने देखा है कि ये बचपन में जो आप दोस्ती यारी करते हो, उसमें जो गंदी गंदी आदतें पड़ी, ये सब उसी का असर है, उसी का नतीजा है। जाने मन जाने एक्चुअली वो कैरम खेला, कैरम जितना कैरम खेला है वही बताइए सबको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा कप देखो ऐसे वो चाल लेते हैं जल्दी ऐसे चल खेलो और देना बस भी कपिल जैसे कि मैं तो जा रहा था टीसी में और मंटू भाई चले गए अपनी टीम के पास छोड़ के। हम एक नई टीम मिली है, आइए जानते हैं क्या करते हैं और कैसे हैं। सर आपका नाम? मैं संजय कुमार शाह हूँ, मैं जायडस कंपनी में हूँ। हम लोगों की मीटिंग है, फार्मा कंपनी है, यह पूरी हम लोगों की टीम है। हम लोग मुंबई आ रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों की कल एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की मीटिंग है। उसमें पुराना एंटीबायोटिक बट विद वेरी इफेक्टिव रेट वी आर ब्रिंगिंग इट, 12.5 रुपये की केवल टैबलेट हम लोग लेके आ रहे हैं। जबकि ये जो मॉलिक्यूल है ये 16 रुपये, ये जो मॉलिक्यूल है ये 16.50 रुपये के आसपास बाकी कंपनीज का आता है। सो ऑल इंडिया हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को। इसका नाम है मोनोटेक्स ओ और मोनोटेक्स सी बी। कोरोना में भी यूज़ हुआ है कई जगह पर, एंटीबायोटिक्स यहाँ पर नहीं थे। इट इज़ अ वेरी वी कैन से चीप एंटीबायोटिक, इट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर द इंडिया, इट इज़ राइटिंग इन टू मच क्वान्टिटी बाय एनीबडी लाइक GPs, CPs, gynecologist, is effective in the respiratory tract infection as well as in UTI infections and so many other infections. सर ने ऐसे तो बता दिया अपने बारे में, जानते हैं इनकी टीम में कौन कौन है। सर आपकी टीम में कौन कौन है आज? मेरी टीम में मिली है सैलेंद्र से, सैलेंद्र सिंह देवड़ा हैं, ये भोपाल में पोस्टेड हैं। मेरे बॉस हैं मिस्टर ओम प्रकाश द्विवेदी। बॉस देखिए बॉस हमारे बॉस है, ही इज पोस्टेड एट इंदौर ओनली एंड नाउ मिस्टर बीरेन मंडली इज देयर, ही इज बीरेन, ही इज फ्रॉम भोपाल टीम, मिस्टर भूपेंद्र फ्रॉम कटनी हेडक्वार्टर। ओह माय गॉड, ही इज कवरिंग कटनी। माय गॉड, इनका आगे फिर से फ्लाइट मोड डाल देते हैं। ही इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम पन्ना बट ही इज इन कटनी हेडक्वार्टर, ही इज कवरिंग रीवा एंड सतना एंड ही इज न्यू ज्वाइनिंग। He is from Devas, the city of Ma Chamunda. The famous bakery is there in Devas. He is from Devas city. It is far from the 45 kilometers only from the Ujjain. And 30 kilometers from Indore. And lastly, our Kapil. कपिल शर्मा सो, कपिल शर्मा सो एंड ही इज फ्रॉम इंदौर। भाई हंसा देख नहीं सकते, ही इज वेरी टैलेंटेड गाय, टैलेंट बॉय। मेरी टीम है, सब बैठे हुए हैं, सब जा रहे हैं अभी लॉन्ग ड्राइव पर। मेरी कॉफी कहाँ है? इनकी कॉफी गायब। चलिए मिलते हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ सीखने मिले हैं, देखते हैं अभी। जैसे कि हम लोग वलसाड पहुंच चुके हैं और सबका नींद उड़ चुका है, क्या कर रहे हैं? और एक बात बता दूं कि अभी तक के सफर में, आने और जाने के सफर में, हमारे श्री माननीय अमित भाई जी को सोने का अवार्ड दे रहे हैं हम लोग। अमित भाई कितने घंटे से सो रहे हैं?
मेरी आंखें सिर्फ बंद थी, जगह था सब बोलो मेरी आंख बंद थी बस जगह था, आंखों में एक नशा दिख रहा है। तब फील्ड इनका कैंसिल किया जाता है, पहले हम पूरी रिपोर्ट पता करेंगे कौन सोया था और कौन जगा था, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। सुनने में आप भी ऊपर सोए थे तीसरे माले पे। मैं सोया था भाई, क्यों नहीं सोया था, लेकिन सोने के मामला में कम रहा। और यहाँ पे देखिए जो हंस रहे हैं बगल में, नहीं तो सोया ही नहीं। ये तो भाई थोबड़ा देख के दुनिया बता देगा मनीष भाई का। मेरे को इन लोगों ने अपना सबका सामान दिखने वाला बना दिया था। रात भर सबको मच्छर काटा है, मैं सबका मच्छर भगाया हूँ, मैं अगरबत्ती जलाया हूँ रात भर। बस अभी कुछ ही देर में हम लोग वापिस पहुंच जाएंगे, फिर वहां से अपने अपने घर। ये अपने घर हम अपने घर कहाँ का दूसरा ट्रिप बन रहा है, बहुत जल्दी अगला ट्रिप कहाँ का बनेगा हम आपको बहुत जल्द का सोच रहे हैं जाने का। देखो बाबा बुला रहे केदारनाथ, हर महादेव जल्दी बुला रहे केदारनाथ। चलिए देखते हैं, घर पहुंचते बहुत थके, वह सब थक चुके, बॉडी चूर हो गई हमारी, बॉडी चूर हो गई, चूर हो गई, चूर हो गई। चलिए बाय। हम फाइनली वापिस पहुंच गए। इस वक्त मैं ट्रेन में नहीं छूटा हूँ, मैं वापिस पहुंच गया हूँ, नहीं तो फिर बॉम्बे पहुंचने वाला था तो इसको बुला लिए थे हम लोग, तो एक डेढ़ बजे दो बजे करीब ये हमारे पास आ गया था। फिर मस्त उतर के बहुत अच्छा सफर हुआ, अब हमारा अंतिम संस्कार आ गया है, वापिस पहुंच गए। क्या बोले अंतिम? क्या बोल रहे हो, चाहते क्या हो, क्या बोलना चाहते? ये है कि अब हम घूम फिर के आ चुके हैं, हम तीन अपने घर आ गए, घर आ गया है, अब घर जा रहे हैं। अब घर से चल यहाँ वहाँ देखते हैं क्या हो, क्या हो गया अमित भाई। कौन सा वर्ड यूज किए थे वे? इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था? गांजा बेच रहा हूँ बोलने वाली चीज। चलो जो भी है ले, हम लोग पहुंच गए, हो या समय हो पहुंच गए, घर पहुंच गए। चलो बाय बाय बाय, मिलते हैं अगले सफर में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए हमारी ट्रेन जा रही है, बहुत देर से साथ में थे, क्या करा जाएगा, सबको दिखाओ। आ गए तीरथ से नंगे पाँव। अच्छा है ना, बनारसी कट के आ रहा है। तुम साथ हो, मोबाइल निकल गया, मोबाइल फूट गया। अच्छा क्या हुआ था उनके साथ? अरे वो बैठे रिक्शे में, सीट छूट हो गया, आप छोड़िए क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बता के क्या मतलब है। हमारा काम नहीं, बहुत आनंद लिए, बहुत मस्ती लिए, बहुत हर चीज बदतमीज बस ड्राइवर, वो बदतमीज बस ड्राइवर के चक्कर में आकर ये हुआ है हादसा। मोबाइल जो है वो फटाफट में टवेरा बस को बदनाम कर रहा है। आज की इतनी है कि टिकट में आप लोगों ने हेरा फेरी बहुत किया है। और भाई आपको बताया यहाँ से, भाई ये भाई जो कैमरा कर रहे हैं और ये भाई एसी के टिकट छोड़ के आए थे ये इसमें स्लीपर में आनंद ले रहे, बताइए है कोई आपके जैसा आदमी? नहीं, हम सोचे कि दोबारा बॉम्बे नहीं पहुंच जाए, इसके लिए सब साथ में एसी में नींद बहुत आती है ना, सब साथ में पहुंचेंगे। अमित तो पहुंच जाता है।